दोस्तों, आज मैं दही के कबाब बनाने जा रही हूँ। दही के कबाब हमने रेस्टोरेंट होटल में खाए होंगे, ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। आज मैं इन्हें घर में बनाऊंगी। और चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने ये हंकर लिया है और मैंने ये 1 किलो कर लिया था, और रात को मैंने ये सूती कपड़े में बांध दिया था। इसका सारा पानी निकल चुका है और ये आटे जैसा हो चुका है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाऊंगी इसे और सख्त करने के लिए। मैं कॉर्नफ्लावर मिला रही हूँ। अच्छे से अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूंगी और इसकी टिक्की जैसे बना लूंगी। और इसको हमें टिक्की जैसे बना के सैलो फ्राई करना है। मैं इसकी टिक्कियां बनाऊंगी और थोड़ी सी डस्टिंग मैं अपने हाथ में कर लूंगी और इसकी मैं इनकी टिक्कियां और मैं बना के दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये टिक्कियां बना ली हैं। अब मैं इन्हें सैलो फ्राई करूंगी। मैं अब तवे पे ये तेल डाल रही हूँ। अब मैं ये टिक्कियां डाल के सैलो फ्राई करूंगी। पलट लिया है और देखो कैसे ये गोल्डन गोल्डन ब्राउन होने लगी हैं। ये दही कबाब सिक चुके हैं, अब हम इन्हें उतार लेंगे। ये हमारे दही कबाब बन गए हैं, अब इन्हें हम सर्व करेंगे। ये हमारे दही कबाब बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने ये धनिया पुदीना की चटनी बनाई है और ये सॉस है। हम इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, हम इन्हें छोले के साथ भी खा सकते हैं। आपका जैसा मन चाहे वैसे आप कर सकते हो। और हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।